9 अगस्त को विश्व भर में निवासरत आदिवासी समुदाय की पहचान, भाषा, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार आदि के संरक्षण हेतु वचन दिया गया था। तब से हर वर्ष आदिवासी समुदाय द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस दिन समस्त आदिवासी समुदाय द्वारा सामाजिक चिंतन एवं समीक्षा की जाती है। मंडला जिले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की भव्यता के मद्देनजर इस दिन शासकीय अवकाश और उससे पूर्व कलेक्टर द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित होता आया है। पूर्व में शासन द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर संपूर्ण प्रदेश में शासकीय अवकाश घोषित किया गया था, किंतु वर्तमान सरकार द्वारा 28 नवंबर 2020 को इसे परिवर्तित कर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया है। कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने जिला कलेक्टर मंडला द्वारा दिनांक 4 अगस्त को सर्व आदिवासी समाज संगठनों के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक ली गई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाने एवं समस्त विकास खंड एवं ग्राम पंचायतों स्तर पर प्रशासन के सहयोग से वृक्षारोपण आदि का कार्य तय किया गया था और दिनांक 5 अगस्त को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया, लेकिन अचानक 2 घंटे बाद बिना किसी सूचना के घोषित अवकाश निरस्त कर सर्व आदिवासी सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और अपमान किया गया। इससे यह समझ आता है कि जिला कलेक्टर द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते आदिवासी विरोधी निर्णय लिया गया है। इसी के चलते निवास विधानसभा से विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले, बिछिया विधानसभा से विधायक नारायण सिंह पड्डा व डिंडोरी विधायक व पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम, शहपुरा विधायक भूपेंद्र मरावी अपने सामाजिक साथियों के साथ रानी अवंतीबाई स्मारक पर एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे दुनिया में इस पर्व को सभी मिलजुल कर धूमधाम से मनाते हैं, विशेषकर इसमें आदिवासी समाज की अग्रणी भूमिका रहती है। मंडला में 2017 के पहले से प्रशासन और शासन के द्वारा छुट्टी दी जाती थी। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो पूरे मध्य प्रदेश में 9 अगस्त को शासकीय छुट्टी घोषित किया गया। हम चाह रहे थे, मध्य प्रदेश का आदिवासी और सभी वर्ग के लोग चाह रहे थे कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी के दिवस छुट्टी घोषित हो, जिसके लिए हम सब लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी पत्र लिखा, मुलाकात भी की, निवेदन भी किए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्राचार किए, लेकिन उन पत्रों का आज तक किसी प्रकार कोई जवाब नहीं आया। और ये तब किए कि जब 9 अगस्त आदिवासी दिवस की छुट्टी कैंसिल की गई, तब फिर एक ही एक जो हुआ वो आपके सामने है। हमारा ये मांग है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो आदिवासियों के हितैषी है तो कल 9 अगस्त है, वो 9 अगस्त को छुट्टी घोषित करे, ये हमारी मांग है। और अगर वो नहीं करती है तो विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम तो मनाया जाएगा और हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। रही बात कोरोना की, तो कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका हम सब लोग पालन करेंगे, क्योंकि आदिवासी एक ऐसा समाज है जो एक विशाल जनसंख्या और विशाल रूप में गाँव में, शहरों में और पूरे दुनिया में निवास करती है। उसकी एक मूल पहचान है जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और उसके संरक्षण के लिए, उसकी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने के लिए ये विश्व आदिवासी दिवस UNA के द्वारा दिया गया और उनका संरक्षण करने के लिए पूरे देश में सारे लोग बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएँ प्रेषित करते हैं और इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। तो क्यों ना मध्य प्रदेश की सरकार 9 अगस्त को छुट्टी घोषित नहीं करती, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और हम सीधे सीधे ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है, ये आदिवासियों का संरक्षण नहीं कर सकती है और ना ही इसके शासन सत्ता पे रहते हुए आदिवासियों का भला नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार आदिवासियों के हितों को नज़रअंदाज करने का काम कर रहा है। हमारे मूल्यों को
ये सरकार पूरी तरह से इधर उधर करके हमारे मूल्यों को रोकने का काम कर रहा है। विश्व आदिवासी दिवस संपूर्ण भारत नहीं बल्कि विश्व में संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए घोषित यह भारत जो यूएनओ के द्वारा यह दिन है और इस पर सरकार छुट्टी नहीं दे रहा, जबकि जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, मैं ट्राइबल मिनिस्टर था, तो हमने हमारी सरकार ने छुट्टी दिया था, साथ में राशि भी जारी किया था, उसको बंद करने का काम जो प्रदेश सरकार किया है ये बहुत अनुचित है, घोर निंदनीय है। विश्व आदिवासी दिवस सभी समाज के लोग इसको मांग कर रहे हैं, तो सरकार को छुट्टी देना चाहिए। हम लोग लड़ेंगे, कल विधानसभा सत्र है और सत्र में जिस तरह से हमारे प्रदेश में जो छुट्टी था उसको इन्होंने जो निरस्त किया है, हम लड़ाई लड़ेंगे। कुलस्ते जी हमारा समाज का है, नेता भाजपा का सदस्य है, मंत्री है, वो बाद में है, पहले कुलस्ते है और मैं मरकाम हूँ। मुझे पूरा भरोसा था कि कुलस्ते जी समाज के हित में बात करेंगे, पर कल जब मैं धरने में बैठा था भूख हड़ताल में डिंडोरी में और वो जिस तरह से बयान दिए हैं कि ओंकार सिंह का ये काम ही है, कुलस्ते जी समाज के लिए ओंकार सिंह का काम हित में है, आप नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? आप प्रदेश सरकार से बात करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करिए, छुट्टी घोषित कराने की कोशिश करिए, और अगर आपकी नहीं चलती है, सिर्फ आपको इशारे पर काम करने के लिए मंत्री बना करके रखे हैं। विनय नामदेव की रिपोर्ट।